हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले सॉरी फॉर माय वॉइस ओवर, एक्चुअली बाहर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे कुछ काम चल रहा है सोसाइटी में, तो मैंने पूरी वीडियो में ही अलग से वॉइस जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो वेडिंग एसेंशियल वीडियो है। जैसा कि अभी फेस्टिवल्स ख़त्म हुए हैं और अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वेडिंग एसेंशियल मस्ट हैव शेयर करने जा रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आपके घर में शादी है या फिर आप कहीं शादी अटेंड करने जा रही हैं और आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करने की सोच रही हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और दोस्तों, आज भी मैं आप लोग के साथ कुछ इस तरह के कलर और डिज़ाइन शेयर करने करूँगी, जिनको आप बहुत तरीके से आप मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर पाएंगी, न कि सिर्फ एक ही बार, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हमारे पैसे लगे होते हैं इन सारी चीज़ों में। और यहाँ पर मैं आप लोग को हर एक चीज़, मतलब हर तरह की चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि ज्वेलरी, फुटवेयर और ड्रेसेस, ऑल थिंग्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चले चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट जो चीज़ मैं दिखाने जा रही हूँ ये तो मतलब मस्ट हैव है, स्पेशली इस विंटर के लिए तो भाई मस्ट हैव है। 100% मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये चीज़ आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक वेलवेट दुपट्टे की। जी हाँ, कुछ इस तरह के दुपट्टे की जैसा कि मैं सामने दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं इस दुपट्टे बारे में बता दूँ कि इस दुपट्टे को मैंने अमेजोन से लिया हुआ है, अंडर 500 ये मुझे पड़ा था। और इसमें बहुत सारे कलर और डिज़ाइन अवेलेबल हैं। इस दुपट्टे की चारों तरफ गोटा पट्टी का पूरी एक लेस लगी हुई है और सामने आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस मेरी वीडियो में आपको दुपट्टा रेड कलर दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये मैरून कलर का दुपट्टा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो। तो ये पूरा मैरून कलर है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वेलवेट दुपट्टा अगर खरीदने जा रहे हो तो आप डार्क कलर में ही लें, जैसे कि नेवी ब्लू और मैरून कलर, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, बात करूँ इस दुपट्टे का जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये वेलवेट दुपट्टा कुछ इस तरह का दुपट्टा होता है कि आपके सिंपल था कोई, अगर आप सूट है आपके पास, कुर्ता है और प्लेन है, अगर आप उसके ऊपर ये वेलवेट दुपट्टा ले लोगे तो भाई बहुत ही इंस्टेंट आपको रिच क्लासी लुक मिलने वाला है, जैसा कि सामने आप देख सकते हैं। और या स्पेशली इस विंटर के लिए तो भाई बहुत ही काम में आने वाला है और आपको ठंडी से भी बचाएगा, आप कहीं जाते हो और आपको अच्छा सा लुक भी मिलने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वेलवेट दुपट्टा अपने पास ज़रूर रखिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है वेलवेट दुपट्टा। और इस दुपट्टे की डिज़ाइन क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेम दुपट्टे का मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें और भी अलग 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 तरीके के डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं, आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। बट एक वेलवेट दुपट्टा आप ज़रूर अपने पास रखिए, स्पेशली इस विंटर में वेडिंग सीजन के लिए तो मस्ट हैव है। आप बहुत ज़्यादा आपके काम में आने वाला है और बहुत तरीके से आप इसे यूज भी कर पाएंगे। और इस दुपट्टे की भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सेम दुपट्टा भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस दुपट्टे की। बात करूँ दोस्तों सेकेंड चीज़ की, तो यहाँ पे मैं एक आउटफिट शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक ड्रेस है, साथ में एक लॉन्ग जैकेट के साथ आती है। मैंने लास्ट दिवाली के वीडियो में आउटफिट आइडिया में इस ड्रेस को शेयर किया था, सर सामने आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वेडिंग के लिए भी ये ड्रेस बहुत ही परफेक्ट है। और मुझे स्पेशली ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और मैं जब मैंने आपको शेयर किया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी फ्रेंड, कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था इस ड्रेस के बारे में। तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक वेडिंग सीरीज में भी इस ड्रेस को शामिल करूं। दोस्तों, ये जो ड्रेस है ये मैंने मिंत्रा से ली हुई थी, ऑल अबाउट ब्रांड का नाम है, और ये 1000 क्राउन मुझे ड्रेस पड़ी थी। ये मस्टर्ड एंड गोल्ड कलर की ड्रेस है, उसके ऊपर एथनी का, इसकी एक लॉन्ग जैकेट आती है जिसके ऊपर पूरा एथनी का प्रिंट है, देख सकते हैं। आर्ट सेल की ये मतलब मटेरियल है इस ड्रेस का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे ये जो कलर है मस्टर्ड, येलो, गोल्डन, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और सामने आप देख भी सकते हैं। और स्पेशली विंटर में कहीं, अगर इस विंटर में कहीं शादी में आप जा रही हैं, तो जैसा कि ये पूरी दो सेट आती है तो आपको इसे ठंडी भी कम लगने वाला है। यहाँ पे मैं एक इस ड्रेस के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई थी जिसे मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो वो वीडियो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे इसे पहन के दिखा रही हूँ, सामने आप देख सकते हैं ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही एक मतलब बहुत ही एकदम स्टाइलिश अच्छा सा लुक मिलता है इस ड्रेस के साथ। कई तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हो, जैसे कि मस्टर्ड येलो के साथ ग्रीन कलर भी बहुत अच्छे से मतलब मैच हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। आप इस जैकेट को हटा के आप कोई, अगर आपका ग्रीन एथनिक जैकेट है तो आप उसे पेयर कर सकते हो, या फिर कोई आप दुपट्टा ले सकते हो, कई तरीके से आप इस ड्रेस को स्टाइल कर सकते हो ओवरऑल। बट जो ड्रेस है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और वेडिंग में तो अगर आप इस तरह ड्रेस को अगर ट्राई करोगे तो आप बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा लुक मिलने वाला है। और भाई चूंकि ये दो पेयर में आती है, मतलब अंदर एक
लॉन्ग ड्रेस है, उसके ऊपर एक जैकेट है, तो भाई ठंडी भी आपको कम लगने वाली है। तो वेडिंग के लिए तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और पूरा यहाँ पर तैयार होके मैं पूरा ज्वेलरी के साथ इस ड्रेस को पेयर करके दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह का लुक है। तो दोस्तों, आने वाले वेडिंग सीजन में अगर आप कुछ एक ब्यूटीफुल से कोई ड्रेस ट्राई करना चाहते हो, दिवाली ड्रेस आप जरूर ट्राई कर सकते हो, इसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। बात करूँ नेक्स्ट पीस की, तो ये एक फुटवेयर है जो कि एक मोल्स है, जिसे मैंने मिंत्रा से ख़रीदा हुआ था। और दोस्तों, इस तरह की जो एथनिक ये जो जूती होती हैं, मैं एक्चुअली बहुत कम ट्राई करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये फ्लैट आती हैं और मेरी जो हाइट है वो, मैं एक शॉर्ट हाइट गर्ल हूँ, तो हाइट मेरी काफ़ी कम है। तो मैं इस तरह के जो मूव्स होते हैं इनको मैं कम ही खरीदती हूँ, क्योंकि फ्लैट में आते हैं। बट ये मिंत्रा पे मुझे 2 इंच हाइट के साथ दिख रही थी, इसलिए मैंने इसे ट्राई किया। और चूँकि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो जब मैंने इसे मंगाया, और बट थोड़ा मुझे डाउट था कि पता नहीं ये कम्फर्ट होगा कि नहीं होगा। और ये जो ब्रांड है हाउस ऑफ पटौदी, इस ब्रांड का मतलब इस ब्रांड की ये जूती है, बट इसकी जो कम्फर्ट इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा कम्फर्ट होगी, बट रियली बहुत कम्फर्ट है। ये भी 1000 के राउंड ही पड़ी थी, और जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसका डिज़ाइन भी देख सकते हो, यहाँ पर भी मैं जो भी चीज़ें दिखा रही हूँ सबका डिज़ाइन कलर आप देख के आप समझ सकते हो कि आप इन्हें कई तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये जूती भी कुछ इस तरह की है, इसे भी आप बहुत तरीके से, बहुत सारे आउटफिट भी ये मैच हो जाएगी, आप इसे यूज़ कर पाओगे। तो इस वेडिंग सीजन के लिए ये जूती भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा कम्फर्ट भी है। नेक्स्ट मैं एक ज्वेलरी का सेट दिखा रही हूँ, जो कि 3 लेयर की नेकलेस है, जो कि है जावेरी पल से है, और इसे भी मैंने अपने लास्ट जो वीडियो में मैंने आप लोग सबको दिखाया हुआ था। और ये जो ज्वेलरी है ये भी 1000 के अराउंड ही मुझे पड़ी हुई थी, और जैसा कि मैंने आप लोग शेयर किया हुआ है कि जावरी पल्स की जो ज्वेलरी होती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। मैं तो बहुत सारी ज्वेलरी जावरी पल्स से मैंने ट्राई किया हुआ है, इसके साथ ये इयरिंग्स भी आती है। और पूरी की ज्वेलरी का जो लुक है बहुत रिच, बहुत ही क्लासिक, बढ़िया सा लुक आता है। इस तरह की जो लेयर वाली ज्वेलरी होती है, स्पेशली अगर हम कुछ एथनिक वियर पहनते हैं, साड़ी है, तो उसके साथ बहुत ही परफेक्ट होती है। यहाँ पे भी इस ज्वेलरी का भी कलर आप देख सकते हो कि ये पूरी गोल्ड गोल्ड है, और साथ में ये ऑफ वाइट पर्ल लगे हुए हैं। इसकी मैचिंग का ही मेरे पास रिंग था, तो भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरह का ऑफ वाइट और ये गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये इतना मतलब कि यूनिक होता है कि आप मोस्टली किसी भी आउटफिट के साथ नहीं मैच करा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। और बाकी ज्वेलरी देखिए, ज्वेलरी को आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों, ये ज्वेलरी मतलब कि काफ़ी, मतलब इसमें वेट भी है, ये हल्की नहीं है क्वालिटी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है ज्वेलरी की। तो आने वाली वेडिंग सीजन में आप ये ज्वेलरी जरूर ट्राई करो, बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट मैं एक इयरिंग्स दिखा रही हूँ, ये भी है फ्रॉम जावेरी पल से ही है, ये भी 300 के अराउंड मुझे पड़ी हुई थी। ये इयरिंग्स मैं सिर्फ इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ज्वेलरी, ये जो इयरिंग्स है ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, स्पेशली ये जो इस तरह के ट्रायंगल शेप में ये जो मतलब कि इयरिंग्स आती हैं, ये बहुत परफेक्टली हमारे शेप के साथ जाती हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जैसा कि सामने आप मेरी इमेज देख सकते हो। इस वाइज शेप की जो इयरिंग्स है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगेन ये इस इयरिंग्स की भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और कलर भी ऐसा है, देख सकते हो आप, किसी भी आउटफिट के साथ आपकी ये पेयर हो जाएंगी। साइज में भी यूज है, छोटे साइज नहीं है वेडिंग के लिए, तो बहुत ही परफेक्ट है। तो ये वाली इयरिंग्स से आप जरूर ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगी, और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर, अच्छा सा लुक आता है। और नेक्स्ट मैं जो दिखा रही हूँ आप लोग को, ये एक झुमकी है, जो कि काफ़ी डिफरेंट मतलब की है, ये ड्रॉप डिज़ाइन में, जैसे जो ड्रॉप इयरिंग्स होते हैं कुछ इस तरह का इसका ऊपर का डिज़ाइन है। तो जो ड्रॉप इयरिंग्स होती है मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्ट लगती है। जो पीछे जो पीच वाली जो इयरिंग्स आती है वो थोड़ा मुझे कंफर्ट नहीं होती है, मुझे खुजली होने लगता है। तो ये इयरिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, झुमकी स्पेशली, अगर भाई वेडिंग सीजन है, कहीं अगर हम जा रहे हैं किसी घर छोटा मोटा कोई फंक्शन अटेंड करने, तो उसके वहाँ पे ऐसे फंक्शन के लिए इस तरह की जो इयरिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ही मतलब एक डे लुक के लिए बहुत परफेक्ट होती हैं। कोई अगर इतनी का आप ड्रेस पहने हो, कुर्ती पहने हो, उसके साथ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और दोस्तों, ये झुमकी है ये ओम्स ब्रांड की, क्या मतलब ब्रांड के, मैं ब्रांड का नाम बता रही हूँ, और ये मुझे करीब 100, ये भी 300 के अराउंड ही मुझे पड़ी थी। इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये झुमकी भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो, वेडिंग सीजन के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। नेक्स्ट मैं प्रयाशी ब्रांड के एक 4 बैंगल के सेट हैं जो आप लोग को दिखा रही हूँ। ये जो बैंगल है ये
पूरे कुंदन का इसमें वर्क है, सिल्वर और गोल्ड कलर है। तो ये बैंगल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा जो साइज है इसमें 2-6 मैंने साइज मंगाया हुआ है। ये बैंगल भी मैं इसलिए ही आप लोग दिखा रही हूँ क्योंकि कुंदन वर्क के जो इस तरह की जो नेकलेस होते हैं या ज्वेलरी या डिज़ाइन बैंगल जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा हम इन्हें यूज़ कर पाते हैं। बहुत मोस्टली ये भी सारी आउटफिट हमारे यूज हो जाती हैं। और कुंदन जो होता है वो देखने में भी काफ़ी रिच एकदम बढ़िया सा लुक आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बैंगल भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको भी मैं काफ़ी यूज करती हूँ। तो आने वाले वेडिंग सीजन में ये बैंगल भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक रिंग शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ओवर एंड ओवर मैंने इस रिंग को यूज़ किया हुआ है जो कि मैंने 4 साल पहले मैंने सीन ऐप से लिया हुआ था। इतना यूज़ करने के बाद भी इसकी क्वालिटी बिल्कुल फेड नहीं हुई है। तो आप सोच रहे होंगे आप मैं आप लोग क्यों दिखा रही हूँ, सीन ऐप तो बंद हो चुका है। तो सेम रिंग मैंने नायका पे देखा था अवेलेबल है, मिल रही है। इसका डिज़ाइन इतना डिफरेंट इतना सुंदर है कि मतलब अगर आप एक बार इसे फिंगर में पहन लो तो अलग से भी दूर से भी दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो कुछ इस तरह के रिंग होते हैं आप जो मतलब कि यूनिक होते हैं जो जिन्हें आप जरूर ट्राई कर सकते हो। दूसरी रिंग मैं दिखा रही हूँ जो कि एक पूरी पूरी गोल्ड एकदम प्लेन रिंग है, एकदम ह्यूज इसका साइज है। ये भी जिसे मैंने मिंत्रा से लिया हुआ था करीब 1 साल पहले और ये भी मुझे 300 के अराउंड ही पड़ी थी। बट ये भी कुछ इस तरह की रिंग मैं दिखा रही हूँ जिन्हें मैंने ओवर एंड ओवर बहुत मैंने यूज़ किया हुआ है। इनको बहुत मोस्टली मेरे सारे आउटफिट पर ये मैच हो जाती हैं और ये ऐसी ज्वेलरी होती है कि आप पहन लो तो दूर से ही कोई नोटिस कर लेता है कि हाँ कोई डिफरेंट चीज़ मैंने मतलब आपने पहना हुआ है जो कि बहुत सुंदर बहुत ही एकदम बढ़िया ट्रेंडी सा लुक मिलता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रही मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आए हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो की लाइक जरूर करें और मेरे आगे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।